नमस्कार मित्रों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का चौथा वीडियो लेक्चर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के परिचय, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट जिनकी संख्या चार होती हैं, और उन चार को हमने बताया था। पहला फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा टेक्निकल कंपोनेंट, और तीसरा आता है टैक्टिकल कंपोनेंट, जिसे सामरिक घटक हिंदी के अंदर कहा जाता है। उसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद उसके ऊपर एक टेस्ट अपलोड होगा, जिस टेस्ट को आप दीजिएगा और उसके बाद उसकी आंसर की से मिलान कर लीजिएगा। लेकिन वहीं हाथ जोड़कर पुनः प्रतिदिन की तरह वही निवेदन, जो वीडियो को ट्रेंडिंग लाने में बहुत जरूरी होता है, लाइक जरूर कर लें आप सभी लोग। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, टैक्टिकल कंपोनेंट। खेल प्रशिक्षण के चार कंपोनेंट, जिनमें से तीसरा कंपोनेंट टैक्टिकल कंपोनेंट, जिसे सामरिक घटक कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले सामरिक घटक या टैक्टिकल कंपोनेंट की बात करने के लिए हमें यह चीज समझनी होगी कि सामरिक घटक होते क्या है। देखिए, सामरिक घटक यह शब्द बना है समर से। समर मतलब समर, जो पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे उन्हें समर कहा जाता था। तो उन समर को, उन युद्धों को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई जाती थी, वह टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी इन शब्दों के अंदर आती है। तो स्ट्रेटेजी को जब मैं बात दूं तो वह आएगा रणनीति के ऊपर, रणनीति, रण को जीतने के लिए बनाई जाने वाली नीति। और वहीं टैक्टिक्स की अगर मैं बात दूं तो वह आएगा सामरिक, मतलब समर को जीतने के लिए बनाई जाने वाली नीति। आज की डेट में समस्त खेल भी एक तरह से युद्ध जैसे हो गए हैं, जिनको जीतने के लिए कोई भी देश की टीम अपने खिलाड़ियों के ऊपर लाखों अरबों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है, और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से और कितने ही तरीकों से हमें टूर्नामेंट को जीतना है। उसके लिए वो अलग अलग मेथड्स, अलग अलग वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसे टैक्टिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है। मुख्यतः दो चीज़ टैक्टिकल कंपोनेंट के ऊपर फेस करने वाली आती है, या मैं कहूँ जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, पहली स्ट्रेटेजी और दूसरी टैक्टिक्स। अब ये स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स क्या है, ये दोनों ही एक टूर्नामेंट को विन करने के लिए, टूर्नामेंट को जीतने के लिए अपने आप में कुछ पार्ट्स हैं। लेकिन कौन सा पार्ट मैच से पहले और कौन सा बाद में आता है, यह स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, स्ट्रेटेजी का अर्थ एक ऐसे प्लान से लगाया जाता है जो पहले ही बना लिया गया हो। अब रण की नीति, स्ट्रेटेजी को हिंदी में क्या कहा, रणनीति। रण को जीतने के लिए जो नीति पहले ही निर्धारित कर दी गई वह, अब यह निर्धारित कैसे होती थी, वहां पर पिछले युद्धों के आधार पर होती थी। यहां पर हमने जो पुराने टूर्नामेंट्स खेले हैं, या मान लीजिए इसी टूर्नामेंट के अंदर हम लोग कुछ मैच खेल रहे हैं, तो जो पीछे वाले मैच हैं उनके आधार पर उनमें हमारे को क्या एक्सपीरियंस हुआ, केवल खेले हुए नहीं, दूसरी टीमें जो मैच खेल रही हैं उनको भी हमें देखना होता है। अब देखने के बाद हम लोग इनको किस लिए उपयोग में लेते हैं, स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है। किसी भी मैच के लिए स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई जाती है कि अगर हमें इसमें जीत मिलनी है तो जीत के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, या अगर टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है तो हम लोग हार स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इतना हो कि मैच को बराबरी तक ले जाएं, या अगर टूर्नामेंट के अंदर पॉइंट एवरेज सिस्टम चल रहा है कि कौन सी टीम कितना पॉइंट लेती है, कितना गोल एवरेज होता है, कितना गोल उन्होंने खाया है, कितना गोल उन्होंने किया है, इसके लिए हमें स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली बनती कब है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। स्ट्रेटेजी सदैव हमेशा मैच से पहले बनाई जाती है, और मैच से पहले जब बनाई जाती है तो इसे गेम प्लान भी कह दिया जाता है। मतलब आने वाले गेम के अंदर जिस तरह का प्लान हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जो प्लान हम लोग पहले, जो हमने क्लासरूम के अंदर, मीटिंग रूम के अंदर, टीम के स्ट्रेटेजी रूम के अंदर बैठकर तैयार किया है, तो इसको हम लोग मैच में कैसे लागू करेंगे, वह गेम प्लान कहलाता है। क्योंकि यह प्री डिटरमाइन है, पूर्व निर्धारित है, पहले ही बता दिया गया है आपको कि इस सिचुएशन में आपको यह करना है, उस सिचुएशन में यह करना है। तो आने वाले गेम के लिए जो हमने पूर्व प्लान बनाया, इसे हमने गेम प्लान कहा। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं तो पेपर प्लान भी कहा जाता है। पेपर प्लान, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या पेपर के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर आपको किस तरह का एक्ट करना है, क्या गतिविधियां आपको करनी है, ये सारी चीजें हमें स्ट्रेटेजी के अंदर पहले ही समझा दी जाती है। और एक तरह से जिस तरह वार रूम होता है, इस तरह ही टीम का स्ट्रेटेजी रूम होता है, जिसके अंदर विभिन्न परिस्थितियों में कि आने वाले गेम के अंदर आपका क्या निर्धारण होगा, वह पूर्व से ही बता दिया जाता है।
अब देखिए मित्रों, इसे पेपर प्लान भी कहा जाता है। पेपर प्लान इसलिए कहा जाता है कि पेपर के ऊपर अलग अलग कंडीशंस के अंदर डॉट्स, एरोज, चित्रों या मैं कहूँ ग्राफिक्स के माध्यम से बताया जाता है कि व्हाट हैपन्स, आपको क्या करना है अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, आपको क्या करना है अगर इस तरह की सिचुएशन आती है। तो देखिए, अलग अलग नाम निकल कर आते हैं, गेम प्लान, पेपर प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान, लेकिन मोटी मोटी बात जो आपको समझनी है, स्ट्रेटेजी सदैव मैच से पहले, गेम से पहले निर्धारित की जाती है। स्ट्रेटेजी सदैव पेपर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, चार्ट बोर्ड के ऊपर निर्धारित की जाती है। स्ट्रेटेजी आने वाले गेम के लिए आपके द्वारा बनाया गया एक प्लान है जो समस्त टीम को मैच के अंदर लागू करना होता है। अब यह इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आपने समझ लिया, हम लोग आगे चलते हैं कि मैच में लागू करना है तो मैच में कैसे लागू करेंगे। तो देखिए, मैच में लागू करना इसे स्ट्रेटेजी को, जब हम लोग स्ट्रेटेजी को रियल सिचुएशन के अंदर लाते हैं, रियलाइजेशन मतलब वस्तु स्थिति, वास्तव में हमको इसको कैसे करना है, जो कंडीशंस हमको बोर्ड के ऊपर बताई गई थी वो कंडीशंस अगर मैच के अंदर आ जाती है तो हमें क्या करना है, दैट्स कॉल्ड टैक्टिक्स। तो अब एक चीज स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग, मतलब आपने मैच से पहले जो प्लान बनाया दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजी, और मैच के अंदर उस प्लान का एग्जीक्यूशन मतलब स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन वह क्या हो गया, वह हो गया टैक्टिक्स। अब यहाँ पर टैक्टिक्स मतलब स्ट्रेटेजी का रियलाइजेशन, जैसा हमको बताया गया था वास्तव में उसको वैसा का वैसा हम कर दें तो हमारी टैक्टिक्स सफल। फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर हम लोगों को परिस्थितिवश उस प्लान का समाधान करना पड़ता है, तो वह भी टैक्टिक्स के अंदर ही आता है, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यहाँ एक टैक्टिक्स बनाई गई थी कि अगर सामने टीम ऑफेंस करती है और उनका ऑफेंसिव प्लेयर जो है तो उसको तीन डिफेंडर्स के द्वारा हमको डिफीट करना है, लेकिन कंडीशन ये बनी कि यहाँ बताया गया था ग्राउंड पास के लिए, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी ने एरियल बॉल डाल दी, हवा में बॉल डाल दी, तो मेन डिफेंडर आगे गया और उसने अपने आप को सामने वाले, क्योंकि टैक्टिक पहले स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी कि आपको एक पैरेलल वॉल बनानी है तीन आदमियों की ताकि गैप ना मिल पाए, लेकिन यहाँ उसने परिस्थिति ऐसी बनी कि पैरेलल बॉल आई नहीं, बॉल ग्राउंडेड रही नहीं, हवा में आई, तो मेन डिफेंडर आगे गया, उसने ओपोनेंट के कंधे के ऊपर से जंप लिया और स्वयं ने हेड को क्लियर कर दिया। यह परिस्थिति वक्त पैदा हुई टैक्टिक्स है, लेकिन यह भी प्लान के अंदर बताया जाता है इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के अंदर। अब यहां हम लोग यह चीज और क्लियर कर लेंगे कि ऐसा कब हो पाएगा, तो देखिए स्ट्रेटेजी आपकी तभी सफल होती है जब हमने उस स्ट्रेटेजी को पीरियडाइजेशन के तहत, पीरियडाइजेशन मतलब एक 4 साल का ओलंपिक प्लान जिसके अंदर हम मैक्रो प्लान, मीजो प्लान, माइक्रो प्लान, हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें और अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर बहुत सारे सेशंस हुए हों, क्योंकि स्ट्रेटेजी का रियलाइजेशन ही टैक्टिक्स है। तो स्ट्रेटेजी रियलिटी में कब परफॉर्म की जाएगी, जब हम मैच के अंदर आने वाली सिचुएशन जिसको हमको स्ट्रेटेजी के अंदर, गेम प्लान के अंदर, पेपर प्लान के अंदर बताया गया था वैसा ही अभ्यास हम बार बार, हजारों बार ट्रेनिंग सेशंस के अंदर करें, वैसी ही सिचुएशंस हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर कर करें, आधे खिलाड़ी ऑफेंस में, आधे खिलाड़ी डिफेंस में पड़ जाए, तब जाकर हम लोग स्ट्रेटेजी का रियलाइजेशन कर पाते हैं और तब स्ट्रेटेजी वास्तव में सफल टैक्टिक्स कहलाती है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा कि हमको स्ट्रेटेजी के लिए बहुत बार उस स्ट्रेटेजी को ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म भी करना होता है, बस अंतर यह है कि वह जब मैच में जाती है तो वही स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है टैक्टिक्स के अंदर। देखिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ आपको कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, 13 नंबर, 5 नंबर, 50 नंबर और 84 नंबर, तो इस तरह के कुछ आपको खिलाड़ी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, सामने वाली टीम ने, जो एक रेड टीम है, उस रेड टीम ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कंफ्यूज करने के लिए कि उनका जो लेफ्ट आउट विंगर है, बॉल का उन्होंने मूवमेंट इस तरह का रखा और राइट आउट ने कि बॉल जो है लॉन्ग एरियल के अंदर आएगी, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि लॉन्ग एरियल बॉल तो डाली नहीं, पूर्व निर्धारित तहत के कार्यक्रम के तहत उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली और उनका 84 नंबर खिलाड़ी जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बना रखी थी उस बॉल के ऊपर अटैक करने गया और उन्होंने अपना जो पेपर प्लान था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो यह सफल टैक्टिक्स के अंदर कहलाया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के अंदर बहुत डीपली अंतर किया, हम लोगों ने यह क्लियर कर लिया कि स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स क्या है। उन्हें एक बार आपको स्पष्ट कर दूं कि स्ट्रेटेजी तो मैच से पहले का प्लान है, लेकिन
टैक्टिक्स मैच के दौरान का, उस स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन है, रियलाइजेशन है, वास्तविक स्थिति के अंदर उसका परिवर्तन है। अब एक एग्जांपल और आपको मैं, जहां हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए, अब मैं आपको यहां शाब्दिक अर्थों के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए कोई वॉलीबॉल खेल की टीम है और उस वॉलीबॉल खेल की टीम के अंदर दो टीमें क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करने का चांस करती हैं, और एक टीम ऐसी है जिसकी फर्स्ट सिक्स लाइनअप के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको रिसीविंग की प्रॉब्लम है, जो रिसीव बहुत कमज़ोर तरीके से करता है, तो वॉलीबॉल तो अटैकिंग गेम है, आदि तो मैच जो है सर्विस के ऊपर ही जीत लिया जाता है, लेकिन उसी टीम के अंदर एक बहुत अच्छा सेटर भी है, तो ऑफेंस करने वाली टीम देखिए किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को सेट करेगी। ऑफेंसिव टीम अपनी स्ट्रेटेजी में बताएगी कि जो कमजोर रिसीवर है वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस उसी के ऊपर और बहुत फास्ट सर्विस कोशिश करने की कोशिश करे। अब होगा क्या कि वह इतना कमजोर रिसीवर भी नहीं होगा, बॉल को उठाने का प्रयास तो करेगा, लेकिन अपोनेंट टीम जो ऑफेंस कर रही है वह बॉल की दिशा इस तरह से देखेगी कि अगर रिसीवर बॉल को रिसीव भी कर ले तो उसको अपने उस जबरदस्त सेटर को ना दे पाए जो कि एक आउटस्टैंडिंग सेटर है, बल्कि ऐसी जगह पर वो बॉल को पिकल करे या उठाए जहां पर उनकी टीम का कम हाइट का खिलाड़ी हो, ताकि ओपोनेंट टीम इजीली वहां पर स्मैश पिक कर सके। या फिर अगर वह यह नहीं कर पाता है तो सफल टैक्टिक्स कैसे बनेगी कि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमने सर्विस करी, सर्विस के बाद उधर से रिसीवर ने बॉल उठाया, लिफ्टर ने बॉल लिफ्ट करी, स्मैशर ने मारी, लेकिन टैक्टिक्स क्या बनेगी कि अगर वह रिसीविंग करने में सफल भी हो जाए तो सर्विस उसको ऐसी डालनी है उस कमजोर रिसीवर को कि वह लॉन्ग रैली चलाने पर मजबूर हो जाए, उनकी टीम के अंदर टीम सेटर को वह चांस मिल ही नहीं पाए कि वह स्मैश मार पाए। इसके दो फायदे मिलेंगे जब पेपर प्लान बनाया गया, पहला तो आपको मैच जीतने के चांस मिलेंगे, ऑफेंसिव प्ले आप करेंगे, दूसरा सदैव दूसरी टीम के अंदर हमेशा कोच कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश करता है, जब बार बार उसी खिलाड़ी के ऊपर सर्विस डाली जाएगी तो वह खिलाड़ी एक बार दो बार कभी ना कभी तो गलती करेगा, अगर उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी या रेट ऑफ डूइंग मिस्टेक्स ज़्यादा है तो खिलाड़ी आपस में टीम के अंदर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, एक दूसरे से आर्ग्यूज करेंगे, जब वो आर्ग्यूज करेंगे तो टीम का टेम्परामेंट सामने आएगा और जो सबसे कमजोर खिलाड़ी होगा वह अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। उस दौरान दूसरा पेपर प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा कि अब इस पेपर प्लान को जो पहले पूर्ण निर्धारित कर दिया होगा टीम की स्ट्रेटेजी के तहत कि अब इस टैक्टिक्स को दूसरे खिलाड़ी के ऊपर भी इंप्लीमेंट करना है जो लो टेम्परामेंट का सामने निकल कर आया। तो मित्रों इस तरह से आज हम लोगों ने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का चौथा जो टॉपिक है उसको कवर कर दिया है, साथ ही साथ आपको यह बताने का प्रयास किया है कि आप लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो एक दिखने में बहुत कठिन विषय होता है लेकिन उसको हम लोग डे बाय डे वीडियोस के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे ताकि आपके पास उच्च स्तरीय समझ हो जाए। दूसरी बात, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की समझ सबको होनी चाहिए क्योंकि कोचिंग आपको भी करनी है, कोचिंग हमें भी करनी है, अगर इन फंडामेंटल्स को आपने क्लियर नहीं किया तो कोचिंग आप लोग जीवन के अंदर नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा कोच नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात, एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करें, मैंने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, मेरे पास बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं, कोई 6 सॉल्व कर रहा है, कोई 5 सॉल्व कर रहा है, देखिए दिखने में कितने सरल क्वेश्चन है लेकिन हमारी रेट ऑफ जो राइट क्वेश्चन है वो कितना कमजोर है, इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं। कल इसके ऊपर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कॉम्पोनेंट का अंतिम चैप्टर अपलोड करेंगे जिसे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन का बटन दबाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो लोग ज्वाइन का बटन दबाकर ज्वाइन करेंगे वो हमारे लाइव प्रश्नोत्तर के अंदर हमारे साथी बनेंगे। लाइव प्रश्नोत्तर मैं बहुत जल्दी करने जा रहा हूं, संख्या बढ़ती जा रही है, एक पर्टिकुलर रेशियो के पास जैसे ही हम पहुंचेंगे 50 के आसपास लाइव सेशन हम लोग शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, और इसका टेस्ट पेपर जरूर देखें, उसको सॉल्व करें, आंसर की कुछ घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। आपका भरत सिंह गुर्जर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।